भाई प्ले कर रहा भाई, ये कर रहा प्ले सेटअप को, बंद डीजे को। ये स्पेशल आया सागुम्बरी यात्रा से प्ले करने के लिए। सुमराज में ऐसे विसर्जित करते हैं यहाँ पे, ये रामगंगा है। और कितनी भीड़ हो रही है भाई, 23 है 23 तारीख आज, और 23 तारीख में विसर्जन देखो कितने सारे हो रहे हैं, सब अपने गणेश जी को लेकर आ रहे हैं। बाकी उधर देखो कितने सारे लोग खड़े हैं, टाटा भी खड़ी है डीजे की। यो और ये देखो अलग ही सिस्टम, बाकी उधर पुलिस वाले रेस्क्यू कर रहे हैं, ये सबको भगा रहे हैं, पीछे कह रहे हैं पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, कोई आगे जाके मत आओ क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है ना इस वजह से। बाकी देख सकते हो भाई मौसम कितना प्यारा हो रहा है, सब इतनी भीड़ लग गई अच्छी खासी। बाकी भाई रामगंगा किनारे यहाँ से आते हैं, ये इधर तुम्हारा प्रकाश एसोसिएट पड़ता है उसके जस्ट बराबर से आते हैं, उधर की साइड से MDMA हो गया ना, जहाँ पे किला है किले के ठीक सामने रोड से, अगर उधर से आएंगे आएगा तो वहाँ से आते हैं ये सब लोग, और यहाँ पर आकर विसर्जन करते हैं जो रामगंगा में होता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी अभी दिखाता हूँ टाटा आपको, ठीक है पूरा मेरा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर खड़ा है गोयल डीजे मंडी धनोरा वाला, और अभी आगे चलते जा रहे हैं। भाई देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ है यार, यहाँ विसर्जन की लाइन के लिए, मतलब कुछ लोग पूजा वूजा कर रहे हैं देख रहे हैं। बाकी क्रेन मशीन भी खड़ी है, अगर कोई दिक्कत हो तो परेशानी हो, लेकिन ये लाइट लगाने वाली क्रेन मशीन है। और गाइस यहाँ पे आंटी लेके जा रही है हमारे सामने। बाकी यहाँ पे बहुत भाई बचते हुए, भाई यहाँ पे आइसक्रीम बहुत लोग खा रहे हैं, आइसक्रीम बहुत बिक रही है क्योंकि आइसक्रीम के ठेले खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे कौन सा डीजे है, अजय अजय डीजे है ये, कोई धनोरा का तो धनोरा मंडी है भाई, उधर की साइड से बहुत डीजे हैं अमरोहा की साइड से। और भाई चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, भाई भाई देख सकते हो कुछ लोगों ने सेटअप चला रखा, कुछ लोग सेटअप लेके आ रहे हैं अंदर की साइड, क्योंकि अंदर तो यार जगह भी नहीं, पता नहीं अंदर के लिए यार पीछे खड़ा करना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आइसक्रीम ठेले लगे हुए, और यहाँ गणेश जी को गंदगी बहुत है, क्या बहुत है यार, जब ज़्यादा जहाँ भीड़ होगी वहाँ गंदगी तो होगी प्लस क्यों। बाकी देखते हैं गाइस चलते हैं आगे की ओर। गाइस देखिए छोटा दिखड़ा है, ये मुझे थोड़ा सही लगा अच्छा लगा, विशाल डीजे साउंड सर भी क्योंकि साउंड अच्छी बोल रही है भाई छोटा आदमी में। तो अच्छे ऑपरेटर को बुलाया भाई, देखो ऑपरेटिंग यहाँ से हो रही है। मंजी भाई को भाई पूरा सम्मानित किया जा रहा है। भाई अजीत भाई ऑपरेटर,
यहाँ पे भंडारा खाने के लिए आ रखा है हमारा विशाल भाई, और ये देखो डीवीजे रोहतास और डीवीजे अजीत इन द मिक्स। ये अपन डायलॉग सुना रहा है, ये तो सुन लगता डायलॉग सुना, लीक हो चुका है डायलॉग अब ये पहले टाटा पे कोई भी आता काट के मेरे ब्लॉग में से। ये भंडारा खा रहे हैं यहाँ पे देखो क्या नहीं कटी कुछ नहीं कटेगा कुछ नहीं। सो गाइस यहाँ पे कुछ लोगों ने भंडारा खाना स्टार्ट कर दिया देख सकते हो आप। ये देखो अपनी भाई जी अब का इतना लगा हुआ है कि भाई भंडारा देखो खाना पूरा रखा है सामने, लेकिन इतना लगा हुआ है कि कुछ वो नहीं है मतलब नहीं है भाई। और इधर रोहतास भाई को भूख लग रही है, भाई को लग रही है तो आराम से भाई खा रहे हैं। इधर भी भाई सब बंसी डीजे वाले ये पूरा सिस्टम। बाकी देखो वो अभी तक भाई देखो उसका पूरा खाना ऐसे ऐसे रखा हुआ है, लेकिन चैटिंग 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 ये है डीजे जीत की हालत देख सकते हो। बाकी मेरे आगे अभी कुछ आया नहीं चावल, और तो अभी आएंगे तो मैं खाऊंगा खाना ठीक है। पता नहीं भाई कितनी सेटिंग है, 4-5 तो दिए बना रही है। बाकी भाई चावल वाला अच्छा ठीक है खाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे डायरेक्टली बहुत स्पेशल जगह अच्छी है आपकी। इधर लहरा लहर नहीं सकती के लहरा का दिखाओ। भाई लहरा का दिखाओ यार, मजा नहीं आ रही ये यार। हैं बड़े बड़े लोगों के पास, ये हैं नितिन भैया। यहाँ पे देखो पूरे सेटअप लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग सब लगी हुई है, तगड़े सिस्टम चल रहा है यहाँ का। आपको एक ब्लॉग मिल जाएगा अलग ही यहाँ की गणेश चतुर्थी का, तो अभी लाइटिंग वाइटिंग चेक हो रही है। बाकी सारे भाई लोग अपने साथ में खड़े जीत रोहतास रोहतास सब मोहित एंड इधर अभिनव वगैरह। बाकी आप लोग एंड कर रहे हैं भाई, कैसे लगा ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और बहुत सारे बहुत क्रेजी क्रेजी चीजें आने वाली हैं, एंड साउंड टेस्टिंग एंड गणेश विसर्जन भी आने वाला रामपुर में, बहुत ज्यादा अपनी डिमांड हो रही है तो रामपुर में जरूर आने वाला हूँ मैं भाई। 10 साल और रामपुर में आने वाला हूँ मैं ठीक है, आप कमेंट में मत पूछना रामपुर में आने कॉल करके। कितनी तारीख को? 25। तुम भी चल रहे हो? बिल्कुल। तो नितिन भाई भी आएंगे, हम सब आने वाले, पूरी टीम आने वाली है सिर्फ अजीत को छोड़ के, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग साकुम्बरी यात्रा में जाने वाले हैं भाई वापस। तो ये आज स्पेशल बंसी भाई का डीजे बजाने के लिए आए थे, आपने जैसे ब्लॉग में देखा होगा स्पेशल एक दिन का। तो करीब करीब बहुत महंगी डेट थी, ये कारण था वो आ सकती है, आप इसे समझ सकते हो। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। और बाकी क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है ऐसी अच्छी अच्छी और गुप्त चीजें जानने के लिए, रॉयल सनी को सब्सक्राइब करो। और बाकी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, महाकाल की कृपा से जल्दी से 30,000 सब्सक्राइबर करा दो। बाकी मिलते हैं स्कूल में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। रखे हैं हम राम गोपाल पे पराठे खाने के लिए, और यहाँ पर अपने साथ अभिनव और ये नितिन भाई लाइटिंग वाले हैं, जिनकी शार्पी की वीडियो हर चैनल पे मिलेगी लेकिन रॉयल सनी ब्लॉग्स पे नहीं। मेरे मोबाइल पे लगी हुई है भैया की लाइटिंग है। अच्छी है, अच्छी साइड वाली कर्व वो लगा रखी है लाइनर, सही है भाई। तो अभी खाते हैं रोल्स वगैरह, उसके बाद चलते हैं। ये बस ऐसे लास्ट में था भाई अपने यहाँ पे, ये लप्पू था सचिन, ये गला देख लो सचिन ही है भाई, ये सचिन जो सीमा हैदर को लेकर आया। सीमा हैदर का है, गई पाकिस्तान गई। भाई भाई अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, R15 इस यार इसकी पार्टी हो रही है भाई। चलो मिलते हैं बब्बा है।